नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। बिहार में जितने भी BSNL उपभोक्ता है उनके लिए ये खबर बेहद खास है, क्योंकि आपको बता दें कि एक तरफ जहां देश में निजी कंपनियां जो कि मोबाइल सेक्टर से जुड़ी हुई हैं वो लगातार अब 5G लाने की तैयारियां कर रही हैं, 5G स्पेक्ट्रम पर तैयारियां कर रही हैं, मगर बिहार के BSNL उपभोक्ताओं को एक बड़ा झटका कर लगा है। झटका उस वक्त लगा जब 15 अगस्त को बताया गया था कि आगामी 15 अगस्त 2022 को बिहार में BSNL 4G सेवा शुरू करेगा, मगर अब इस 4G सेवा पर जो साया है, जो बादल है, वो छा गया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एन वक्त पर बिहार का नाम कट गया है। बिहार को 300 BTS अर्थात बेस ट्रांसीवर स्टेशन बनाने का जो मौका था, जो ठेका था, वो नहीं मिल पाया। इन 300 BTS बनाने का जो ठेका है वो किसी और राज्य को आवंटित कर दिया गया है। इससे जितने भी BSNL के उपभोक्ता है उनको अब ये साफ खबर हम दे देना चाहते हैं कि अगर वो सोच रहे थे कि वो 4G BSNL इस्तेमाल करेंगे तो अब ऐसा फिलहाल नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि लगातार BSNL ये कह रहा था कि उपभोक्ताओं को तेज इंटरनेट देने के लिए वो 4G को मार्केट्स में लाना चाह रहे हैं, मगर ऐसा अब नहीं हो पाएगा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट कि किस प्रकार से BSNL के उपभोक्ताओं को एक बड़ा झटका लगा है, उनकी उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया है, क्योंकि एक तरफ जहां निजी कंपनियां 5G के राह पर हैं तो वहीं BSNL अभी भी धीरे धीरे 4G भी नहीं पकड़ पा रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार में BSNL 4G सेवा फिर टल गई है। राज्य को मिलने वाला BTS बेस ट्रांसीवर स्टेशन दूसरे राज्य को आवंटित कर दिया गया है। ऐसे में बिहार के BSNL उपभोक्ताओं को इंटरनेट की तेज गति के लिए इंतजार करना पड़ेगा। दिन प्रतिदिन खराब होते नेटवर्क और घट रहे उपभोक्ताओं के बीच BSNL बिहार को भी बड़ा झटका लगा है। राज्य में स्वदेशी उपकरणों के साथ BSNL का पहला 4G नेटवर्क 15 अगस्त को लॉन्च होने वाला था। बिहार में 4000 टावर लगाए जाने थे। इस साल 20 फरवरी को BSNL बोर्ड के निदेशक ने बताया था कि बिहार BSNL भी 15 अगस्त को 4G सेवा लॉन्च करेगा। इसके लिए BSNL की ओर से पटना के लिए 300 टावर की मांग की गई थी। BSNL को आशा थी कि कम से कम पटना में 4G सेवा के लिए टावर खरीदने के लिए आदेश जारी होगा, लेकिन 31 मार्च को मुख्यालय की ओर से 4G के 6000 टावर खरीद का आदेश जारी हुआ। इसमें BSNL बिहार को हटा दिया गया। ओडिशा, पंजाब, हरियाणा, पूर्व उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और राजस्थान को 4G सेवा के लिए टावर लगाने का अलॉटमेंट आदेश मिल गया है। इससे पहले भी 3 बार BSNL बिहार के 4G टावर का टेंडर फेल हो चुका है। बिहार में BSNL अभी सिर्फ 2G और 3G सेवा दे रही है। इसके लिए मात्र 2800 टावर हैं, इनको 4G में अपग्रेड कर दिया जाना था। BSNL बोर्ड के निदेशक ने बताया है कि BSNL पूरी तरह स्वदेशी उपकरणों के साथ 4G सेवा लॉन्च करने जा रहा है। TCS स्वदेशी 4G का उपक्रम बना रहा है। यही नहीं, उन्होंने बताया कि BSNL 4G की लॉन्चिंग के साथ 5G का ट्रायल भी शुरू कर दिया गया है। तो BSNL के सर्विसेज की बात करें तो BSNL फिलहाल 2G और 3G जो नेटवर्क है वो अपने उपभोक्ताओं को देता है। इसके लिए BSNL के पास पूरे बिहार में 2800 टावर लगाए गए हैं और 4G में इसे कन्वर्ट करने के लिए ही बढ़ावा दिया जा रहा था, मगर एन वक्त पर बड़े राज्यों की तुलना में बिहार का नाम कट गया है। तो बिहार के BSNL उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर यह है कि अगर वो चाह रहे थे कि वो BSNL में 4G का इस्तेमाल करें तो अब उनका सपना फिलहाल पूरा होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। सबसे पहले ये आदेश जारी किया गया था कि BSNL बिहार 4G 15 अगस्त 2022 तक लॉन्च कर दिया जाएगा, मगर एन वक्त पर बिहार के साथ एक बार फिर से धोखा हुआ है और बिहार का नाम कट गया है उस टेंडर को लेने के लिए, जब जिस टेंडर के माध्यम से ही सभी राज्यों में टावर्स लगाए जाते हैं। एक बार फिर से 300 टावर्स का जो टेंडर है वो अन्य राज्यों को दे दिया गया है। BSNL के उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।